इसमें मात्रा भी बताऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा, और मेरी गारंटी है आप 15 दिन बाद इसको लगातार दीजिए, 15 दिन बाद आप देखिए, 15 दिन में आपके जो काफ है उसमें कुछ अलग ही आपको देखने को मिलेगा। नमस्कार पशुपालक साथियों, साथियों आपके अपने यूट्यूब चैनल रावत मुर्रा डेयरी फार्म पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। साथियों आज आपके सामने फिर हाजिर हुए हैं एक और नई वीडियो लेकर के। साथियों जैसा कि बहुत भाइयों के कमेंट भी आ रहे थे और बार बार फ़ोन आते हैं पूछते रहते हैं कि हमारा जो काफ है वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा, तो आज ग्रोथ करने का आज आपको एक बहुत बेहतरीन फार्मूला बताएंगे। तो साथियों आज की वीडियो में देसी नुस्खा आपको जो घर पे ही मिलेगा वो उससे कैसे तैयार करें और पूरी डिटेल वीडियो में बताते हैं। तो चलिए साथियों वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद करूँगा साथियों वीडियो हर कोई आपको पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आए तो साथियों मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को साथ के साथ शेयर भी ज़रूर करते रहें, जिससे किसी और भाई को भी इस नुस्खे का फ़ायदा मिल सके। तो साथियों जो हमारा टॉपिक है वो है जो बच्चे ग्रोथ नहीं कर पाते, जिनका पेट लटक जाता है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 15 दिन ये नुस्खा देना है और इस नुस्खे से आपका जो काफ है जो बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, आपने कई चीज़ दे ली हैं, कई दवाई दे ली और वो बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर पा रहा, तो उसकी ग्रोथ ऑटोमेटिक ही बढ़ने लगेगी और वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने लगेगी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो फार्मूला है, जो टॉपिक है वो करना है, सबसे पहले उसे थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करानी है, सुबह सुबह उसको आपको डेली भगाना है। 400-500 मीटर तो है ही है, आप 1 किलोमीटर तक भी उसे जो तैयार करना है उसे भगा सकते हो, यानी रेस करवा सकते हो। थोड़ी बहुत उसको डंडी लेके उसके पीछे उसे थोड़ा थोड़ा भगाइए, डुलाइए, सबसे बड़ा तो ये है इसमें रीजन। दूसरा इसमें जो औषधि है, जो औषधि का काम करती है वो है आपका घी। तो आप या तो अपने घर का देसी घी भी ले सकते हो, इसमें मात्रा भी बताऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा और मेरी गारंटी है आप 15 दिन बाद इसको लगातार दीजिए, 15 दिन बाद आप देखिए, 15 दिन में आपके जो काफ है उसमें कुछ अलग ही आपको देखने को मिलेगा। वो बहुत अच्छी उसकी क्वालिटी बनेगी, उस पर चमक आ जाएगी, वो नीचे की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा, उसका पेट है धीरे धीरे सेट होने लगेगा, पेट जो लटक रहा है वो बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो साथियों आपको देसी घी मिल जाए तो बहुत अच्छा, वरना आप ये भी ले सकते हो जो रिफाइंड होती नहीं, घासलेट होती है, घासलेट होती है गगन के नाम से जो आती है, आप इसे भी ले सकते हो, ये आधी किलो की है, इसमें 50 ग्राम की भी आ सकती है, 50 ग्राम की मिल जाए तो इज़ द बेस्ट, 50 ग्राम की नहीं मिले तो आपको ये आधी किलो की आती है, हर जगह मिल जाती है, इसको लाना है, ये फ्रीज करना है आपको, फ्रीज में इसे ठंडा कर लेना है, ठंडा करके इसे चक्कू से काट करके, ध्यान से सुनिए साथियों, फ्रीज में इसको ठंडा करना है, ठंडा जब ये हो जाए तो इसे चक्कू से काट करके 50 ग्राम की मात्रा लेनी है, 50 ग्राम की मात्रा लेकर के जो आपका काफ है उसे आप खिला दें, 6 महीने का हो, 7 महीने का हो, 8 महीने का हो और वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा हो, ऊपर नहीं चल पा रहा हो, तो आप देखने लगोगे डेली उसको शाम के टाइम जब आप चारा खिला करके अलग बांधेंगे तो आप उसे डेली 50 ग्राम फ्रीज करके उसको वो जम जाता है और उसे ले करके 50 ग्राम उसे खिला सकते हो। आप ये इस तरह से 50 ग्राम की भी आती है तो 50 ग्राम की ला करके भी खिला सकते हो, कोई इसका ज़्यादा ज़्यादा पैसे के भी नहीं है। तो मैं कहूँगा कि आपके काफ में इतनी ज़्यादा तरक्की मिलेगी देखने को, वो वज़न बढ़ाने लगेगा, बहुत सेट होने लगेगा, धीरे धीरे आप देखोगे कि उसका जो नीचे की तरफ चल रहा है वो एकदम ऊपर की तरफ चलने लगेगा। बहुत अच्छा फार्मूला है, आप लगातार 15 दिन इसे खिला करके देखिए, 15 दिन में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और
आपका जो काफ है वो हेल्थी हो जाएगा, बहुत चमकदार उसकी त्वचा हो जाएगी और वो बिल्कुल ऊपर की तरफ ग्रोथ करने लगेगा। धीरे धीरे उसको आप सूखा अनाज जैसे होते हैं, जैसे आपका गेहूं है, कनक है, उसका आप चून जो होता है जिसे आटा बोलते हैं, आप उसे आधी आधी किलो आटा भी दोनों टाइम खिलाइए और फिर देखिए आप बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। तो साथियों आज की वीडियो इतनी ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो मैं दोबारा आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ के साथ वीडियो को शेयर करते रहें, जिससे कि किसी और भाई का भी भला हो सके, किसी और भाई का भी फायदा हो सके। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, राम राम।